श्री राम। आपको सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि देश में जो अनेक अपना दशकों से एक जो महिला आरक्षण बिल जो अपना पेंडिंग था, कल उसको सदन ने पास किया, तो उसके लिए मैं देश की सारी महिलाओं के साथ साथ, आज हमारे साथ भी महिलाएं हैं इस सपना मंच पर मौजूद, उनके साथ साथ सभी को, आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल जब आ जाएगा, हम जो और सारी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, हम ये अपना रामायण के किरदार में भी देखते हैं कि माँ सीता का क्या बलिदान था। जो 14 वर्ष का वनवास मिला था वो माँ सीता को तो नहीं मिला था, वो तो प्रभु श्री राम को मिला था, मगर वो भी उनके साथ साथ में उन्होंने भी पूरा वनवास काटा। तो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, इस स्थान तक ले जाने के लिए हमारे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं सारी महिलाओं को सबसे पहले नमन करता हूँ और सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये बिल पास हो। मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले जब ये रामलीला का शुरू हुआ तो मैं और सुभाष मलिक जी, जिनको हम बॉबी के नाम से जानते हैं, देश में दुनिया में कोरोना का समय चल रहा था, पूरा लॉकडाउन लग गया था और उस समय हर आदमी की ये अपना चर्चा का विषय था, चिंता का विषय था कि इस बार की रामलीला का क्या होगा। और हम सभी जानते हैं कि 2 साल तक ये देश में कहीं पर भी रामलीला नहीं हुई, मगर हमने उस परंपरा को खत्म नहीं होने दिया। जब मैंने और सुभाष मलिक जी ने एक दिन ये चर्चा करी कि क्या कर सकते हैं, तो हमने बात करी कि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हम इसको क्यों ना ऑनलाइन दिखाएं और कहीं ऐसे स्थान पर करें कि जिसका इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि सबसे पहले उसके बाद में हमने अयोध्या में रामलीला करी, हमने अयोध्या का स्थान चुना और उससे अच्छा कोई स्थान तो देश में हो नहीं सकता था। जब हमने अयोध्या का स्थान चुना तो फिर हमको मालूम पड़ा कि अयोध्या में जहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी है वहां पर तो रामलीला कोई होती नहीं, क्योंकि सारे प्रभु श्री राम के अपना लीला में डूबे हुए रहते। तब हमने वहां पे जो है रामलीला शुरू करी और रामलीला शुरू करी तो उसका क्रेज इतना बढ़ता गया कि जो पूरे देश का सबसे देखने वाला डीडी चैनल है, वो उसने अपना डीडी चैनल ने खुद ही हमसे संपर्क किया और उसने कहा कि हम इसको लाइव दिखाना चाहते हैं, और उनको कंसेप्ट इतना आया, अच्छा लगा कि उन्होंने इसको लाइव दिखाया। तो उसके बाद में जो हमने कार्यक्रम के बाद में पूछा कि इसकी व्यूअरशिप क्या रही, कितने लोगों ने, देश के, दुनिया के लोगों ने देखा, तो उन्होंने बताया कि ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन देखा गया और लगभग 25 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा और वो अपना तब से आज तक हमेशा इसका डीडी पर लाइव प्रसारण होता है और अभी इसकी संख्या, व्यूअरशिप की संख्या और ज्यादा बढ़ती गई और देश में जहां पर भी लोग अपने घर से बाहर निकलकर अगर कोई रामलीला नहीं देख पाते हैं तो वो अपने घर में बैठकर ही, जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं वो अब तो हमारी रामलीला से जुड़ गए। अगर मैं कुछ आपको कलाकारों का नाम बताऊं तो इसमें पूनम ढिल्लो जी, जो अपने जमाने की बहुत एक अदाकारा रही है, एक्ट्रेस रही है बहुत बड़ी, तो उन्होंने इसमें काम किया माँ शबरी का, इस साल कर रही हैं। और फिर एक जो पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, हम सबको अच्छी लगी, उसमें जो भाग्यश्री थी एक्ट्रेस, तो वो हमारी रामलीला से जुड़ी हैं। उसके बाद में गजेंद्र चौहान जी,
फिर हमारे राजा मुराद जी, राकेश बेदी जी, गिरिजा शंकर जी, अनिल धवन जी और ऐसे, और हमारे साथ आज जो बैठे बनवारी लाल जी, हमने इनके बहुत सारे सीरियल देखे, इनका किरदार पूरे देश की जनता ने बहुत ज़्यादा सराहा है और कभी आज भी कभी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो आज भी हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे बनवारी लाल जी और मेरे जो साथ में बैठे हैं, जो प्रभु श्री राम के किरदार में आते हैं, ऐसे हमारे भाई राहुल जी। राहुल जी का और कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे किरदार करने का। राहुल जी अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो है भगवान की दया बहुत अधिक इनके ऊपर में, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद भी इन्होंने भगवान श्री राम का किरदार किया और ये करते आ रहे हैं अपना शुरू से। और अगर आप इनका देखेंगे किरदार में, इनको गेटअप में देखेंगे पूरा, तो आपको ये लगेगा कि पूरे देश में मैं ये लिखकर दे सकता हूँ कि इससे सुंदर जो है भगवान श्री राम का किरदार और वो जो इनका चित्र आता है और जो इनका फिजिक है जो भगवान ने दिया और इन्होंने बनाया, तो इससे अच्छा किरदार मैंने भगवान श्री राम का आज तक कभी कोई नहीं देखा। मैं भी बहुत सारी रामलीला में जाता हूँ,